नमस्कार दोस्तों, पाल परिवार की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 17 अगस्त। आज हम आपके लिए 17 अगस्त से संबंधित जितने भी करंट अफेयर हैं, सारे करंट अफेयर आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं सीधा क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में श्री जैन पोर्टर किसने लॉन्च किया। जो श्री जैन पोर्टर है, इसको जो है किसने लॉन्च किया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान, राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह जो है, इन्होंने जो है श्री जैन पोर्टर को लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक किस राज्य में वनों की कटाई की उच्चतम दर के कारण हार्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ गई। तो वह कौन सा राज्य है, वह राज्य हमारा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केंद्रों के संचालन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केंद्रों के संचालन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, तो वह कौन सा राज्य है, पंजाब। आइए हम पंजाब के बारे में कुछ जानकारी कर लेते हैं। अगर पंजाब के बारे में देखा जाए तो पंजाब की राजधानी क्या है, तो पंजाब की अगर राजधानी पूछा जाता है तो पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। पंजाब की राज्यपाल कौन है, तो पंजाब के राज्यपाल जो है वीपी सिंह बदनौर जी हैं। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो अमरिंदर सिंह हैं। अगर पंजाब में लोकसभा सीट पूछा जाता है, पंजाब में अगर लोकसभा सीट पूछा जाता है तो लोकसभा सीट कितनी है, अगर हम यहाँ पर लोकसभा सीट की बात करते हैं तो पंजाब की लोकसभा की सीट जो है हमारी 13 सीटें हैं। अगर यहीं पर जो है राज्यसभा सीट पूछा जाता है, पंजाब में राज्यसभा सीट की संख्या कितनी है, तो राज्यसभा सीट की संख्या हमारी 7 है। कितनी सीट है, 7 सीट है। और अगर जो है विधानसभा के बारे में पूछता है कि पंजाब के विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो विधानसभा में टोटल 117 सीटें हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्रों के संचालन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, तो पंजाब है। पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। लोकसभा सीट जो है 13 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं और विधानसभा की 117 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाल ही में किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सीनाबंग ज्वालामुखी में पुनः उद्गार हुआ, तो वह कौन सा देश है, वह देश है इंडोनेशिया। कौन सा देश है, इंडोनेशिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पिछले साल नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के 3 एथलीटों पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया, तो कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया, 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी, तो किसने दी है, वह हमारा आंसर हो जाएगा, भारत ने। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 500 मिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा देश उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली को एरो 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, तो किसने जो है सफलपूर्वक परीक्षण किया, वह देश कौन सा है, वह देश इजराइल है। वह कौन सा देश है, इजराइल देश है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भारतीय वायुसेना ने 12 अगस्त 2020 को लद्दाख क्षेत्र में HAL द्वारा निर्मित कितने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को तैनात किया, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 हेलीकॉप्टर। अगर हम लद्दाख के बारे में बात करते हैं तो लद्दाख की राजधानी क्या है, लद्दाख की राजधानी लेह है। अगर यहाँ पर हम राजधानी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ लद्दाख की राजधानी क्या है, लद्दाख की राजधानी लेह है। और अगर यहाँ के उपराज्यपाल कौन, उपराज्यपाल कौन है, तो उपराज्यपाल जो है, उपराज्यपाल यहाँ पर आर के माथुर। तो अगर हम यहाँ पर लद्दाख के बारे में बात करते हैं तो लद्दाख की राजधानी लेह और उपराज्यपाल आर के माथुर हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है,
कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात और किस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक समझौता किया गया, तो वह कौन सा देश है? वह देश हमारा कौन सा है? इजराइल। वह कौन सा देश है? इजराइल देश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया, तो वह कौन सा राज्य है? तो वह कौन सा राज्य है? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वह राज्य है छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया, तो किसने किया है? जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आंतरिक सहयोग पर भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? आंतरिक सहयोग पर भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो वह कौन सा देश है? वह देश हमारा नाइजीरिया है। कौन सा देश है? नाइजीरिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी ने किससे भारतीय मूल की महिलाओं को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना है, तो कौन है वो? कमला हैरिस। कमला हैरिस को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन का इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी दे दी, तो वह कौन सा देश है? वह देश है कौन सा? रूस देश है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? किसने पदभार ग्रहण किया? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा दिनेश के त्रिपाठी। महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो दिनेश के त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चेवता स्कीम को शुरू करने की घोषणा की, तो वह कौन सा राज्य है? तो वह राज्य है आंध्र प्रदेश। अगर हम आंध्र प्रदेश की राजधानी पूछते हैं तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। अमरावती ये आंध्र प्रदेश की राजधानी है। और अगर यहाँ के CM अगर पूछा जाता है तो यहाँ के CM जगन मोहन रेड्डी जी हैं। अगर यहीं पर गवर्नर पूछा जाता है तो यहाँ के गवर्नर कौन है? बी बी हरिचंदन यहाँ के गवर्नर हैं। अगर जो है यहाँ पर पूछा जाता है कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की यहाँ पर 25 सीटें हैं। और अगर राज्यसभा की पूछी जाती है तो राज्यसभा की भी यहाँ पर 11 सीटें हैं। अगर यहीं पर विधानसभा की पूछी जाती है कि कितनी सीटें हैं, तो विधानसभा की 175 सीटें हैं। और विधान परिषद की अगर पूछी जाती है तो विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? 58 सीटें हैं। इतना आप लोगों को याद रखना है, इतना आपके लिए विशेष पॉइंट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने भारत के मानसून में सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की, तो किसे दी गई है? संयुक्त राष्ट्र को दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दिल्ली सरकार ने रेड्डी पटरी वालों को कितने हजार तक का कर्ज मुहैया कराएगी, तो कितना कराएगी? 20,000। यहाँ पर हमारा 20,000 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में कौन इकलौते भारतीय शामिल हैं, तो टॉप 10 सूची में कौन शामिल है? अक्षय कुमार। कौन शामिल है? अक्षय कुमार। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कोविड टेस्ट कराने में कौन सा राज्य नंबर 1 बन गया है, तो वह कौन सा राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश। अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। कौन है?
आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल यहाँ के कौन है? ये सीएम है। अब अगर जीओबी की बात करते हैं अर्थात गवर्नर की बात करते हैं, सॉरी यहाँ ये सीएम कौन है? सीएम जो है हमारे, ये हमारे गवर्नर हो गए। यहाँ पे सीएम हमारे कौन है? तो सीएम हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं। कौन है? योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम हैं। और अगर जो है लोकसभा सीट पूछी जाती है, यहीं पर अगर पूछा जाता है कि लोकसभा सीट कितनी है, तो लोकसभा सीट हमारी 80 है। और अगर जो है राज्यसभा सीट पूछी जाती है, तो राज्यसभा सीट 31 है। और विधानसभा सीट पूछी जाती है, तो विधानसभा सीट कितनी है? 403। लेकिन यहीं पर अगर विधान परिषद के बारे में पूछा जाता है कि विधान की उत्तर प्रदेश के विधानसभा की सीटों की संख्या 403, अगर विधान परिषद पूछा जाता है, तो विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? 100 सीटें हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा? तो कौन सा रहा? जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि शहर में कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेबिलो लॉन्च किया गया। तो किस शहर में लॉन्च किया गया? वह शहर कौन सा है? हैदराबाद। शहर कौन सा है? हैदराबाद। हैदराबाद में कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेबिलो लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है किस आईआईटी ने कमरा कीटाणुनाशक उपकरण विकसित किया? तो हमारा आंसर हो जाएगा आईआईटी रोपण। आईआईटी रोपण ने कीटाणुनाशक उपकरण विकसित किया, कीटाणुनाशक उपकरण विकसित किया। किसने किया? आईआईटी ने, रोपण ने। अगला क्वेश्चन है विक्रम दुरई स्वामी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? बांग्लादेश को। कि विक्रम दुरई स्वामी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो बांग्लादेश यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है? तो किस योजना के तहत? अमृत योजना के तहत रैंकिंग जारी की है। आइए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों 17 अगस्त 2020 के करंट अफेयर में टोटल इतना क्वेश्चन था जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह करंट अफेयर आपको विस्तृत पूर्वक दी जाती है और सुबह 6 बजे आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो जो दोस्त अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।